ओके अभी देखना है 3F का क्वेश्चन वन। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये क्वेश्चन आपने यहाँ पे लिखना, फेसबुक में दिया है आपको क्वेश्चन। इसका हमें एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन से, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, पहले हम निकालेंगे इसके प्राइम फैक्टर, जैसे हमने कल सॉल्व किया था प्राइम फैक्टर वैसे। तो आपने इसके पहले की जो क्वेश्चन है वो आपने पहले देख लेना, उसका वीडियो देखना, उसके बाद फिर देखना, नहीं समझ में आएगा नहीं तो। तो यहाँ पे 18 लिया हम, स्टार्ट करते 2 से इसको डिवाइड किया कितना आता, 2 9 18, ठीक है। इसको डिवाइड किया तो 9 आता ना। फिर अब इसको 2 से नहीं होता क्योंकि ऑड नंबर है, 3 से करेंगे डिवाइड। 3 से इसको डिवाइड किया तो कितना आता, 3 3 9, इसलिए यहाँ पे 3 लिखा। उसके बाद इसको 3 से डिवाइड किया तो कितना आता, 3 1 3, ओके। तो ये हो गया सिर्फ 18 का। उसके बाद जो है नेक्स्ट देखना है, हाँ इसके बाद जो दिया है वो देखना है 27 का, ठीक है। तो 27 में क्या आएगा, तो पहले 2 से डिवाइड किया तो क्या ये 27 है, लास्ट में 7 नंबर ऑड नंबर है, 2 से होगा नहीं, तो 3 से करना, 3 9 27, ठीक है। 9 को 3 से होता है कि वापस 3 से डिवाइड करना इसको, इसको 9 को, 9 को किया 3 से, तो 3 3 9। उसके बाद अगेन 3 को 3 से होता है डिवाइड, यस। तो 3 से 3 को डिवाइड किया कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब ये जो है 1 आ गया, स्टॉप कर देना। तो हम क्या लिखेंगे फिर, 18 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 18 को ये लिखेंगे मल्टीप्लाई में, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। उसके बाद 27 क्या आएगा, 27 का 27 इज इक्वल टू ये आएगा मल्टीप्लाई में, क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब निकालना है हमें इसका एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ निकालना है तो ये इसको बोलते देयरफॉर, ठीक है। देयरफॉर एचसीएफ इज इक्वल टू क्या आएगा, अब इसमें देखना जो सेम सेम नंबर है ना वो वाला लिखना, 2 है कि इसमें नहीं है, 2 सिर्फ इसमें, इसमें नहीं है। तो इसका एचसीएफ कैसे निकालोगे, तो देखो 2 तो है नहीं इसमें, तो देखो 3 है कॉमन, ये 3 है, ये 3 है ना, दोनों इसमें कॉमन, तो यहाँ पे लिखना 3। उसके बाद ये एक 3 कॉमन है, ये एक 3 कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना 3, बस बाकी है ही नहीं कॉमन 3, यहाँ पे है तो यहाँ पे नहीं है, तो मीन्स यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे कॉमन क्या क्या आया, फिर एक है 3 मल्टीप्लाई 3, मतलब ये वाला 3 और ये वाला 3, उसके बाद ये वाला, ठीक है। मैं इसका एस सी एफ क्या होगा, फिर एस सी एफ होगा इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई करना, क्या होता है इसका मल्टीप्लाई, 3 3 9, इसका आंसर कितना है, एस सी एफ कितना है इसका, 9 है, ओके।